आज का जो कंपाउंड है वो है NH4 एंड NO3। इसकी नेमिंग क्या होगी, इसको किस नाम से पुकारते हैं, वो आपका जानना जरूरी है। आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या होता है कि आप एक चीज़ सीखिए। देखिए, यहाँ पर यूज़ किया गया नाइट्रोजन, यूज़ किया गया ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन एंड आपका यूज़ किया गया ऑक्सीजन। देखिए, इस केस में क्या आयन के बेस पर पूरा है, आयन बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आयन NH4 क्या है, एक आयन है, एंड NO3 भी क्या एक आयन है, क्लियर हो गया। देन प्लस एंड माइनस एंड डिवाइड होता है आयन, इनके कुछ नंबरिंग होती है, +1 +2 +3 +4, देन -1 -2 -3 एंड -4 भी होता है। बट इस केस में क्या है, अमोनियम की जो वैल्यू है 1 है एंड नाइट्रेट की वैल्यू भी 1 है, दोनों बीच में क्रॉस हुआ, दोनों वैल्यू 7 वर्स किया गया NH4 NO3। सवाल फिर से वही है कि नाम क्या होगा। देखिए, मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाओ। सबसे पहले फॉर्मूला बनाना सीखो, बेसिक चीज़ के लिए। देन नेम मैं बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं अमोनियम एंड NO3 बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला नाम क्या हुआ, अमोनियम नाइट्रेट। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नाम फाइंड कर सकते हैं, बट उसके क्या करना होगा, हल्की सी प्रैक्टिस और हल्का सा याद भी करना पड़ेगा। बट आपको ऐसा होना चाहिए, देखते ही देखते मात्र 1 सेकंड में आपको या 2 सेकंड में आपको ये आंसर आना चाहिए, हाँ ये तो अमोनियम नाइट्रेट मैंने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको फॉर्मूला याद होंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।